हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अंडर आई जेल का रिव्यू। एंड हर कोई एक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के आई के लिए कुछ ना कुछ सर्च करता है, एंड मैंने भी इसी तरीके से सर्च किया था। एंड बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कंसर्न हो सकते हैं, लाइक अंडर आई डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, मतलब डार्क सर्कल्स अराउंड आई हो सकते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पफिनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देर आर लॉट अदर फाइन लाइन्स वगैरह हो सकती है। तो अलग अलग कंसर्न होते हैं जिसके लिए हर कोई या काफ़ी लोग सर्च करते हैं एक आई जेल या आई क्रीम के लिए। सो अगर आप जिस क्रीम को मैंने यूज़ किया है और उसी की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मुझे इस क्रीम को यूज़ करते करते ऑलमोस्ट अ मंथ हो चुका है, एंड आई एम ऑल सेट टू शेयर माई रिव्यू विद यू ऑल गाइज, डिटेल रिव्यू इन फैक्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स get started. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं किस क्रीम के बारे में बात कर रही हूँ, किस अंडर आई जेल के बारे में बात कर रही हूँ। सो ये कुछ इसका जेल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं। ओके, अगर नेम की बात करें तो ये ब्लॉसम कोचर की अरोमा मैजिक अंडर आई जेल है, एंड इसमें लिखा है ब्राइटन्स एंड रिफ्रेशेस, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर मेंशन है। सो ये कुछ ऐसी है, इसकी पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो अच्छी है, क्यूट सी पैकेजिंग है, ब्लू कलर का इसका कार्डबोर्ड है, इस तरफ फ्लावर प्रिंट्स दिया हुआ है, एंड कार्डबोर्ड है, आप इसको फेंक सकते हैं ऑफकोर्स। एंड जो मेन पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी है, दिस इज़ ब्लू ट्यूब है एंड वाइट कैप है, स्क्रू कैप है। इसके साथ आपको अंदर बहुत ही पतला सा एक नोज़ल मिलता है जिसके थ्रू आप क्रीम निकाल करके ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं आराम से। बट यस, आप इसको सिर्फ इसी की नोज़ल की हेल्प से यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको ऑफ कोर्स अपनी फिंगर की हेल्प से अपने अराउंड योर आइज़ यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो 210 रुपीज़ का इसका प्राइसिंग है, एंड शेल्फ लाइफ जो है आपको 2 ईयर्स की इसके अंदर शेल्फ लाइफ मिल जाती है, आप इसको 2 साल तक बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको 20 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी मिलती है टू यूज़। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये हर जगह, मतलब हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिल जाएगी, वेदर इट इज़ नायका, अमेजोन, पर्पल, मतलब हर जगह पर ये अवेलेबल है बहुत ही आसानी से। एंड ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। सजेशन अगर मैं बोलूँ तो फिर आप पर्पल से इसको बाय कर सकते हो, मैंने भी इसमें 2 या 3 प्रोडक्ट्स एक साथ बाय किए थे तो मुझे 40% तक का डिस्काउंट इसमें भी मिल गया था। अब मैं बात करूँ, ये ट्रेवल फ्रेंडली है तो ऑफकोर्स बहुत ही छोटी सी पैकेजिंग है, ऐसी कोई बल्की और बहुत बड़ी पैकेजिंग नहीं है जो आपको इधर से उधर ले जाने में मुश्किल हो, तो ऑफकोर्स आप इसको आराम से अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, इट इज़ अ ट्रेवल फ्रेंडली। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी स्मेल की तरफ। सो अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जेल है तो ऑफकोर्स इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्योर आपको जेल की ही फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। ये कुछ क्लियर जेल है, एकदम ट्रांसपेरेंट, देयर इज़ नो कलर इन इट, इसमें कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आप इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है, एंड बहुत ही आसानी से स्प्रेड होने के बाद ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है थोड़ी ही सेकेंड्स में आपकी स्किन के अंदर। ओके, अगर मैं स्मेल की बात करूँ तो इसमें बहुत ही लाइट का स्मेल है, बहुत हार्श स्मेल नहीं है, हल्की, बहुत ही हल्की सी स्मेल है, एंड दिस इज़ लाइक जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसी की स्मेल इसके अंदर ऑब्वियसली है, एंड बहुत हार्ड और बहुत ही ओवरपावरिंग स्मेल नहीं है जिसकी बिल्कुल इस प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूज़। ऑफकोर्स इसको इसके अंदर मेंशन है कि आप 2 times a day में यूज़ कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग टाइम एंड ऑफकोर्स रात में, सुबह आप इसको यूज़ कीजिए और रात में बिफोर बेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब कुछ हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो कि इसके बैक साइड में मेंशन है, तो कंटेंस बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर मेंशन है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ऑफकोर्स शो कर दूँगी। एंड उसके साथ साथ जो इसमें मेन चीज़ें हैं ना,
दीज आर कुकुम्बर एंड एलोवेरा जेल है. उसके साथ साथ इसमें एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हॉर्सटेल एंड ग्रीन टी है जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं बता सकती हूँ. एंड एसेंशियल ऑयल्स में इसमें लैवेंडर एंड लेमन है जिससे कि ब्राइटन अप करता है ये आईज़ के एरिया को. और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके लिप्स के अराउंड का एरिया भी अगर ब्लैक हो रहा है ना, तो आप वहाँ पर भी इस जेल को यूज़ कर सकते हैं. ये उसको भी लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये इसके अंदर मेंशन है. ओके एंड इसके अंदर क्या नहीं है वो मैं आपको बता दूँ. इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है और इसके अंदर कलर नहीं है. साथ ही साथ इट इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. इसमें 100% नेचुरल डिराइव्ड है. 12 मंथ्स खुलने के 12 मंथ्स के अंदर आप इसको यूज़ करिए. और उसके साथ साथ इसकी जो पैकेजिंग है वो टोटली रिसाइकलेबल है. सो ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन है जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है. ओके अब मैं इसमें ये लिखा है कि आपको इसको ऑफकोर्स कैसे यूज़ करना है. तो आप इसको हमेशा आइस जेल या क्रीम जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से उस पर उसे यूज़ करिए, क्योंकि इस फिंगर में प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और ये बहुत ही डेलिकेट एरिया होता है हमारा आई एरिया जो रहता है. तो उसमें आपको रिंग फिंगर से ही हमेशा यूज़ करना है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन करते हैं. तो इसमें भी यही लिखा है कि आपको रिंग फिंगर की हेल्प से यूज़ करना है इस क्रीम को. ओके सो जो इसके मेन क्लेम्स आपको देखने को मिलेंगे वो इसमें ब्राइटन्स एंड रिफ्रेशेस है. तो अगर हम क्लेम की बात करें ना, तो ब्राइटन्स यस ये कुछ हद तक ब्राइट करता है आपके एरिया को. एंड वो कैसे करेगा, ऑफकोर्स डार्क सर्कल्स हैं तो उसको लाइट करेगा तभी वो ब्राइट भी होंगे ऑफकोर्स. एंड रिफ्रेश करता है यस. इसका जेल कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ही अच्छा कूलिंग सा सेंसेशन देता है आपको अराउंड योर आइज जब आप इसको अप्लाई करते हो. और आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट सा कूलिंग सेंसेशन और बहुत ही अच्छा फील होता है, फ्रेश सा फील होता है. सो यस ये दोनों चीज़ें जो है ये ऑफकोर्स ये इस पर खरा उतरता है. अच्छा इसकी अगर मैं कुछ और क्लेम्स की बात करूँ तो जैसे कि अगर पफीनेस की बात करें तो यस, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही अच्छा कूलिंग सेंसेशन है तो वो पफीनेस जो आपके अंडर आई होता है ना वहाँ पर ये काफ़ी हद तक कम करता है उसको, मुझे ये फील हुआ है. एंड मुझे बहुत ज़्यादा पफीनेस की प्रॉब्लम नहीं है, बट यस एकदम मॉर्निंग टाइम में जब उठते ही जैसे होता है ना, तो वहाँ पर अगर आप उसको यूज़ कर लेते हो तो फिर ऑफकोर्स ये आपको उसमें हेल्प करता है. सो ये सब तो बातें हो गई कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर और कैसा है सब कुछ. सो अब हम बात कर लेते हैं कि डज इट रियली वर्क्स, क्या ये सच में वर्क करता है. सो अगर मैं बोलूँ तो अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाली उसमें है कि अभी डार्क सर्कल्स हल्के दिखना शुरू हुए हैं एंड पफीनेस तो इट्स ओके, बट डार्क सर्कल्स के लिए स्टार्टिंग उसमें स्टेज पर अगर आप हैं तो तब आप इसको यूज़ करते हैं तो इट विल वर्क. एक्सट्रीम अंडर आई सर्कल डार्क सर्कल्स है तो उसके लिए आई डोंट थिंक इट विल वर्क बहुत ज़्यादा. सेकेंडली स्टार्टिंग स्टेज पे भी यूज़ करते हैं तो फिर भी ये थोड़ा टाइम टेकिंग है. एंड स्किन केयर में यही होता है. देखिए अगर आप सोचेंगे कि एकदम झटपट से ये मैजिक कर दे और एकदम से ही सब कुछ ठीक कर दे तो ऐसा नहीं होता है, दे टेक्स टाइम. आप ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये टाइम लेते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं दिखाएगा सब कुछ, स्लोली वर्क करता है ये. अगर मैं बात करूं कि आपकी अगर डार्क मतलब आईस एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग है तो ये आपको इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं देता है क्योंकि ये जेल कंसिस्टेंसी में है. तो अगर ड्राई एरिया है तो फिर वो थोड़ा ड्राइंग आपको फील होता है. तो इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज आपको रखना है तो आप इसके क्रीम की तरफ जा सकते हैं. तो जो अरोमा मैजिक की क्रीम है, दिस इज़ अ जेल वाला पार्ट है, ये मतलब जेल वाली ट्यूब है, वो क्रीम वाली ट्यूब है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं. तो ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज आपके आईस सर्कल को नहीं करता है. सो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ ओकेश काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर आप इसको स्किप करके कुछ और यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. एंड मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है. एंड रीपरचेज की बात करूँ तो नो, आई विल नॉट रीपरचेज इट अगेन. ऐसा कुछ बहुत इफेक्टिव ऐसा नहीं दिखाता है ये. एंड सिर्फ हाँ मतलब काफ़ी अच्छा सूदिंग इफेक्ट दे देता है, हल्का फुल्का पफिनेस के लिए काम करता है. एंड डार्क सर्कल्स की अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो फिर वहाँ पर ये आपको कम करने में हेल्प करेगा, दैट्स इट. और इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास मुझे ये जेल नहीं लगा.
आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर करें हमेशा स्किन केयर के लिए, मैं यही एडवाइस करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि ये मुझे कैसा लगा है, हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, हमारा स्किन टाइप अलग है, इश्यूज़ अलग होते हैं, कंसर्न्स अलग होते हैं, स्किन कंसर्न्स अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे जैसा मेरा ओपिनियन जैसा हो वो आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। हमारे ओपिनियंस अलग अलग हैं, हो सकता है मुझे अच्छी लगी आपको अच्छी नहीं लगी हो, या मुझे अच्छी नहीं लगी आपको अच्छी लगी हो। सो या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो जो कि ये ब्लॉसम कोचर की अरोमा मैजिक अंडर आई जेल के बारे में था। आपको ये डिटेल रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।